फेसबुक का पासवर्ड पता है और इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना है और पासवर्ड को चेंज करना है तो कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको पूरा तरीक़ेकार बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा। अब आपको ऊपर 3 लाइन्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे आ जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। अब आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपने करंट पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है। इसके बाद नया पासवर्ड सेलेक्ट करना है। इसके बाद वही पासवर्ड जो आपने नया पासवर्ड सेलेक्ट किया है वह यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पटापट कर लेता हूँ। नया पासवर्ड डालने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कंफर्मेशन आएगा कि आपका पासवर्ड जो है वह चेंज हो चुका है। अब 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप रिव्यू अदर डिवाइसेस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी डिवाइस में लॉगिन है और वहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टे लॉगिन पर क्लिक करके आप लॉगिन रह सकते हैं। तो मान लीजिए आप दूसरी डिवाइस में लॉगिन हुआ है और वहां से आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करें और नीचे कंटिन्यू करना है। तो इसके बाद आपको शो हो जाएगा कि आपने किन किन डिवाइस से जो है लॉगिन किया था और कब किया था, कब लॉगिन हुआ और कब लॉग आउट हुआ। तो ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप चेक कर लें कि कहीं ऐसी डिवाइस से लॉगिन नहीं हुआ है जहां पर आपने लॉगिन नहीं किया, मतलब आपके अकाउंट को किसी और ने तो यूज़ नहीं किया है। तो आप चेक कर लें और इसके बाद आपने नीचे आना है और लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस पर क्लिक करना है। आप सभी डिवाइसेस से लॉग आउट हो जाएंगे और एक बार फिर आपने लॉग आउट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह जो है आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बिल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।